जिला ऊना में बीईओ ऑफिस में तैनात अधीक्षक ग्रेड 2 महिला कर्मचारी ने मलाहत के सेंटर हेड टीचर और प्राइमरी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज के आरोप चढ़े हैं। पीड़िता ने इस संबंध में एसडीएम ऊना सुखदेव सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर समेत विभागीय अधिकारियों को भी शिकायत सौंपी है। पीड़िता का आरोप है कि उत्तर शिक्षक नेता बलविंदर सिंह अपने मेडिकल बिल के लेकर उनके ऑफिस में आया। उसका बिल 5011 रुपए का था। जब उसे विभागीय आदेशों के मुताबिक दवाइयों के रैपर देने को कहा तो वह गाली गलौज और तबादले की धमकी देने लगा। पीड़ित महिला के पक्ष में शिक्षा विभाग का गैर शिक्षक संघ भी उत्तक शिक्षक नेता के विरुद्ध उतर आया है। गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने मामले की उचित कार्रवाई की मांग की है। बीपी ऑफिस का मामला है, इसमें जिनकी के जेबीटी यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने आके ऑफिस में इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। एप्लीकेशन हमारे पास आई है, इसके ऊपर हम उम्मीद करेंगे कि जिलाधीश महोदय जो है वो उचित कार्रवाई करें और दोषी के विरुद्ध जो है वो कड़ी कार्रवाई करें। पीटीएफ के जिला अध्यक्ष बलविंदर सिंह बैंस का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैं अपने मेडिकल बिल लेकर बीईओ के ऑफिस किया था। उन्होंने कहा कि मेरा ओपीडी बिल 500 रुपए के करीब था, जबकि आदेशों के अनुसार 1000 से ऊपर के बिल पर दवाइयों के रैपर जमा करवाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मिसबिहेव नहीं हुआ। वहाँ मैं अकेला नहीं था, बाकी टीचर थे और बीपीओ का स्टाफ था। मैं अपना लगभग 4 बजे मेडिकल बिल देने गया। सिर्फ मेरा जो बिल था ओपीडी का वो 511 रुपए का था, जबकि ये 12 जून का एक लेटर निकला हुआ जिसमें पॉइंट नंबर 4 पे क्लियर लिखा है कि 1000 रुपए से नीचे रैपर की जरूरत नहीं है। मेरे कहने के बावजूद नहीं मानी तो मैंने एसओ साहब के शर्मा से बात कराई कि एसओ साहब 1000 से नीचे बिल है, क्या रैपर चाहिए। उन्होंने इसको कहा कि नहीं रैपर चाहिए, 1000 से ऊपर ओपीडी बिल है तो रैपर लो, नहीं मत लो। और मैं पहली बार प्रधान नहीं बना, मैं तीसरी बार प्रधान बना हूँ। ऐसे मिसबिहेव मैंने कभी ना किसी से किया है ना मैं करूंगा। वहीं एसडीएम ऊना सुखदेव सिंह ने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है जिसकी उचित जांच करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, अभी अभी एक प्रतिनिधि मंडल आया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें अनु परमार ने ये लिखित एप्लीकेशन दी है कि इनको तंग किया जा रहा है, तो इस संबंध में कार्रवाई करते हैं।